हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय कर्नूल सिटी से श्री सेलम मल्लिकार्जुन टेंपल जा रहा हूं, जो कि नागा सागर टाइगर रिजर्व पार्क से होकर के यह रोड जाता है और यह टाइगर पार्क तेलंगाना के 5 ज़िलों में फैला हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। और इस टाइगर रिजर्व पार्क से इस देश की बड़ी नदी कृष्णा नदी गुजरती है और आप आनंद लीजिए नागा अर्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व पार्क का, जहाँ से हमारी बस गुजर रही। Thank you.
देखिए हम कृष्णा नदी के घाट पर आ चुके हैं और हमने सोचा था कि बोटिंग से उस तरफ जाया जाए डैम के करीब, लेकिन अभी टिकट विंडो बंद है तो अभी कह नहीं सकते कि खुलेगा भी कि नहीं। पानी अपने लेवल पर होता है, भरपूर होता है, तो यात्री इन सीढ़ियों पर बैठ करके यहाँ तक पानी होता है और इन सीढ़ियों पर बैठ करके स्नान करते हैं। हम कृष्णा नदी घाट से वापस ऊपर जाते हुए देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था है, कोई किसी किस तरह से दर्शन करता है, कोई लेट करके दंडवत करता है, और ये बच्ची को देखिए किस तरह से लेटती हुई लुढ़कती हुई मंदिर तक जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा तप है। अर्जुन के दर्शन करने के बाद अगर गणपति के दर्शन नहीं किए तो ये आपकी यात्रा अधूरी है। अब हम यहाँ से शेयर में जा रहे हैं, ये 30 रुपये पर सवारी लेते हैं। अगर आपको मैंने ऑटो वालों से भी बात की थी, ऑटो वाले 200 रुपये ले रहे हैं आना और जाना, तो ये आपकी सुविधा के अनुसार है। अगर आप ऑटो से जाना चाहें ऑटो से जाइए, और शेयर में जाना चाहते हैं तो शेयर में जाइए। देखिए ये श्री सेलम मल्लिकार्जुन महादेव टेम्पल की यात्रा पैदल कर रहे हैं, इनको 4-4 दिन 5-5 दिन लगातार चलते हुए हो जाते हैं। साक्षी गणपति जी हैं, श्री सेलम जी के दर्शन करने के बाद श्री साक्षी गणपति जी के भी दर्शन करना अनिवार्य है। जब आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है, और हमने श्री साक्षी गणपति जी के दर्शन कर लिए हैं। ये
जो पैदल यात्री आ रहे हैं उनके लिए ये भंडारा चल रहा है। यहाँ पर पैदल यात्री भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये मुंडन कक्ष है, यहाँ पर यात्री अपने केस दान करते हैं और इसके अंदर कैमरा ले जाना वर्जित है, इसलिए मैं नहीं ले गया। ये मेरा बैग देख रहे हो, ये बेड है, इस बेड को मैंने लिया था। तो दोस्तों, ये मेरा श्रीशैलम मल्लिकार्जुन का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ किसी और ब्लॉग में। धन्यवाद।